अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने एक और रिएक्शन वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूं। आप लोगों से गुजारिश है ये मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वीडियो में आपको जो तजुर्बा हासिल होगा, जो जानकारी दीन के ताल्लुक से रिलेटेड जो है वो हासिल होगी, वो बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा को लेकर के कि मस्जिद अक्सा को कैसे आज़ाद कराया गया, मस्जिद अक्सा के क्या मामलात हैं और कैसे कैसे कब्ज़ा था उस पर, सारी बातें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की है, जो वीडियो में आप सभी अज़ीज़ प्यारे दोस्तों को दिखाना चाहता हूं। तो आइए हम सब मिल करके इस वीडियो को गौर के साथ देखते हैं, फिर इंशाल्लाह बाद में और आपसे गुफ्तगू करेंगे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दौर था ज़ाहिरी ज़िंदगी का, उस वक्त बैतुल मुक़द्दस पर ईसाइयों का ही कब्ज़ा था। हम ये बताते हैं ईसाइयों का, लेकिन ईसाइयों ने कहाँ से कब्ज़ा किया था? वो तो यहूदियों से हासिल किया था, यहूदियों को मारते थे। इतनी ख़तरनाक जंगें होती थी ईसाइयों में और यहूदियों में कि बैतुल मुक़द्दस में खून खराबा, ये आज की तारीख नहीं है, बहुत पुरानी तारीख है। टाइटस नाम का एक ईसाई बादशाह जिसने पूरे बैतुल मुक़द्दस की ईंट से ईंट बजा दी थी और इसने जितने यहूदी वहाँ पर आबाद थे सबको कत्ल करवा दिया था, फिर ईसाइयों का कब्ज़ा हुआ था। कितने बड़े बड़े ईसाई बादशाह आए और उन्होंने वहाँ पर सिवाय जुल्म के और कुछ नहीं किया बैतुल मुक़द्दस में। ये तो इनकी तारीख चलती थी ईसाइयों की, यहूदियों की। यहूदियों से कई मर्तबा बैतुल मुक़द्दस ले लिया गया और ईसाई झंडा वहाँ लहराया गया। कई कई सौ साल तक ईसाइयों ने यहूदियों का दाखिला भी बंद कर रखा था कि कोई यहूदी भटकने भी ना पाए। बैतुल मुक़द्दस तो छोड़ें, यरूशलम में, फिलिस्तीन में किसी यहूदी की एंट्री नहीं थी। ईसाइयों का जब गलबा था तो ये कई जमाने तक चलता रहा। असल यहाँ पर क्या था वो मैं आपको बता दूँ। ये बैतुल मुक़द्दस का मसला आपको समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज पूरी दुनिया में ये एक सबसे बड़ा इश्यू क्यों है। इसकी बुनियाद ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद से वो जगह मुक़द्दस थी, फरिश्तों की तामीर की हुई, लेकिन जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आपने, चूंकि आपकी हुकूमत थी उस वक्त, आप बादशाह थे, आपने एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, लेकिन आपके ज़माने में वो काम ना हो सका, तो अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उन्होंने हुक्म दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह भी हुए और दाऊद अलैहिस्सलाम की कुर्सी पर भी फाइज हुए और वो नबी भी थे, रसूल भी थे, उम्मत भी थी आपकी। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत दी थी कि वो हवाओं पर भी हुकूमत करते और जिन्नात पर भी हुकूमत करते। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने काम शुरू किया। ये वो जगह थी जहां मूसा अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे। उस जगह पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मस्जिद बनाने का हुक्म दिया और ये जिन्नात बनाना शुरू करते हैं। इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब पूरा डिज़ाइन दिया कि इस तरह से बनना है तो फिर जिन्नात तामीर करते रहे, जिन्नात तामीर करते रहे और जिन्नात इतना खौफ खाते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि वो एक लम्हा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से गाफिल नहीं होते या हुक्म अदूली नहीं करते। हुआ ये कि काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, तो जिन्नात भाग जाते हैं, लेकिन अल्लाह की मसलहत, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लकड़ी लेकर यूं खड़े रहते थे, अपना असा लेकर के खड़े रहते थे और काम देखते रहते थे। जब तक सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हैं तेज़ी से जिन्नात बड़े बड़े पत्थर लाते तामीर करते रहते थे। इंतकाल हुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम का और आप ऐसे ही खड़े रह गए, आपके खड़े खड़े वफात हुई है। और इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात को सालों गुजर गए लेकिन आप वहां से हटे नहीं, क्योंकि काम चल रहा था। कुरान में है, अल्लाह ताला फरमाता है जब लकड़ी को दीमक खा गई, कितने साल गुजर गए होंगे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम यूं ही खड़े थे। अरे आम दूसरे लोगों की मौत तो छोड़ो, नींद में खड़ा होकर के दिखा है। वो अल्लाह के नबी थे कि इंतकाल के बाद भी वो खड़े रहे, रिवायतों में कई सालों तक, दसियों सालों तक आप खड़े रहे और उसके बाद दीमक खा गई लकड़ी को तो लकड़ी टूट गई, तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आ गिरे। जिन्नात उसी वक्त जान गए कि ये तो इंतकाल कर गए हैं,
तब तक बैतुल मुकद्दस का काम कंप्लीट हो गया था, जिन्नात भाग गए सब। ये तामीर, इसको असल में बैतुल मुकद्दस नहीं कहा जाता था उस वक्त, ये हैकल सुलेमानी, ये यहूदियों के अकीदे के एतबार से फर्स्ट टेंपल है, पहला मंदिर या पहली मस्जिद जो भी है, मुकद्दस थी। ये हैकल सुलेमानी जो सुलेमान अली सलाम ने जिन्नात से बनाया था, और सुलेमान अली सलाम की कुर्सी जहां लगती थी उस वक्त, हजरत सुलेमान अली सलाम ने जिन्नात और सरकश लोगों से और जादूगर लोगों से सब चीजें जादू की छीन कर अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया था, सब खत्म किया था कि कोई जादू टोना ये सब चीजें ना हो, क्योंकि यहूदी जादू के पीछे बहुत भागते थे, सिर्फ जादू में ही दिन रात। आपने सब दफन किया और उसके बाद आपके इंतकाल के बाद सालों बीते और उसी तरह से रहे, लेकिन फिर ये हैकल सुलेमानी को एक बादशाह आया जो इराक का रहने वाला था, उसकी यहूदियों से दुश्मनी थी, उसने ऐसा हमला किया कि पूरे हैकल को तोड़ डाला, यानी जो जिन्नात का बनाया हुआ था इसको मुकम्मल तौर से मिसमार कर दिया, एक दीवार बाकी रह गई, एक दीवार बाकी रह गई, जहां जाकर के आज ये यहूदी रोते हैं, दीवारे गिरिया उसको कहते हैं, वो उस जमाने की एक बाकी रह गई, बाकी पूरा हैकल गिरा दिया। जमाना बीत गया, यहूदी इस बात पर रोते रहे कि इनको मारा गया, कत्ल किया गया, फिर ईसाइयों का उस पर कब्जा रहा, फिर ईसाइयों से यहूदियों ने एक बार फिर हासिल किया, फिर दोबारा ये टाइटस के जमाने में ईसाइयों ने मार करके पूरे यहूदियों को खून खून कर दिया, और फिर बैतुल मुकद्दस कुछ नहीं था, एक दीवार थी, एक दूसरी वहां पर एक छोटी सी इमारत बनाई गई, उस इमारत को ये सेकंड टेंपल कहते हैं, सेकंड टेंपल, ये दूसरा मंदिर, और उसी को इबादतगाह बनाकर चलते रहे। जमाना बीता यहां तक के हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान हुआ, फिर उसके बाद 23 साल गुजरे, फिर आपकी वफात के बाद सिद्दीक अकबर का जमाना आया, फिर सैयदना उमर फारूक का जमाना आया। तकरीबन ये 26-28 हिजरी की बात है, हजरत उमर के दौर में, फिर हजरत उमर फारूक के दौर में जो फतूहात हो रही थी, इस्लाम फैलता जा रहा था, तब सहाबा के एक लश्कर को हजरत उमर ने फिलिस्तीन भी भेजा, जिसमें हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह भी थे। तो इन सहाबा ने इस छोटे से लश्कर को लेकर फिलिस्तीन का मारका ऐसा सर किया कि ये ईसाई सब जान चुके थे हालात क्या चल रहे हैं, सरेंडर हो गए और कहा हम जो है ये बैतुल मुकद्दस की सारी चाबियां आपके हवाले करते हैं, लेकिन एक शर्त है कि हम आपके हाथ में नहीं देंगे बल्कि मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन के हाथ में देंगे, वो आए हमारे पास। तो वहां जो सहाबा थे उन्होंने खत लिखकर भेजा हजरत उमर को, हजरत उमर मदीने में थे, कहा ठीक है मैं आ रहा हूं। क़िबला अव्वल मुसलमानों के हाथ में था, बैतुल मुकद्दस आ रहा था, सैयदना उमर फारूक मदीने से चल पड़े, एक गुलाम के साथ निकले और एक सवारी है, एक खच्चर है, और दोनों भी किस अंदाज से जा रहे हैं, ऐसा अमीरुल मोमिनीन जिसके रौब से कैसर और किसरा कांपते थे, लड़ाई की किसी के अंदर मजाल नहीं थी, वो एक खच्चर के सवारी पर इतना लंबा सफर तय कर रहे हैं, वो भी गुलाम से ये तय कर रखा है एक मील मैं बैठूंगा एक मील तू बैठना, हाँ तू रस्सी पकड़ के चलेगा एक मील तक, और उसके बाद जब तू बैठेगा तो मैं रस्सी पकड़ के चलूंगा एक मील तक, इस तरह से तो सफर तय किया। जब फिलिस्तीन पहुंच रहे थे और उस वक्त लोगों में खबर थी कि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, तो लोग देखने के लिए शहर से भागा कैसा कि उस वक्त खच्चर घोड़े। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी, मैंने स्क्रीन पर आपको इस वीडियो को चलाकर दिखाया, आप क्या कहना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो के बारे में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, और मैं आपकी कमेंट का मुश्ताक रहता हूँ। इंशाल्लाह बिहम्दी ताला कल फिर एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ आपका भाई मोहम्मद ताहिर रज़वी आपसे मुलाकात करेगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त भी दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।